अच्छे को देखकर तो हर कोई अच्छा बनना चाहता है, लेकिन क्या किसी माफिया या बाहुबली को देखकर कोई उसके जैसा भी बनने की सनक पाल ले तो इस सनक को हम क्या कहेंगे। आज यूपी पुलिस ने एक ऐसे ही माफिया विनोद उपाध्याय का सफाया किया है जो 90 के दशक के श्री प्रकाश शुक्ला से इतना प्रभावित था कि उसी के जैसा बनना चाह रहा था। जी हां, सही सुना आपने, श्री प्रकाश शुक्ला बनना चाह रहा था। अंजाम भी ठीक वैसा ही हुआ जैसा श्री प्रकाश शुक्ला का हुआ। कभी जिसके नाम से यूपी बिहार के लोग थर थर कांपते थे, लोग उसे शार्प शूटर के नाम से जानते थे। 25-26 साल के इस डॉन से पुलिस के साथ ही अपराधी भी खौफ खाते थे। कहा जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री की भी सुपारी ले ली थी, जिसके बाद एसटीएफ का गठन करके उस माफिया के अंत की पटकथा लिखी गई। उसी माफिया श्री प्रकाश शुक्ला को देखकर माफिया विनोद उपाध्याय भी जरायम की दुनिया का बादशाह बनना चाह रहा था, लेकिन उसका यह सपना सपना ही रह गया। डॉन श्री प्रकाश शुक्ला की तरह उसे भी एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। बता दें कि विनोद उपाध्याय को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस लगातार अपना शिकंजा कस रही थी। गोरखपुर के अलावा अयोध्या और लखनऊ समेत अन्य शहरों में भी उसकी तलाश में छापेमारी चल रही थी। अंत में एसटीएफ को सुल्तानपुर में जाकर के सफलता मिली। बताया जा रहा है कि माफिया विनोद माफिया सत्यव्रत राय का करीबी रह चुका है, लेकिन जमीन और रुपए के लेन देन को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था। इसी बीच विनोद के करीबी गंगेश पहाड़ी और दीपक सिंह की हत्या हो जाती है। इस हत्याकांड में सत्यव्रत और सुजीत चौरसिया समेत कई लोगों को आरोपी बनाया जाता है। इसके बाद सत्यव्रत और सुजीत विनोद को भी मारने के लिए ढूंढने लगे, जबकि विनोद अपने साथियों की हत्या का बदला लेने के लिए सुजीत को ढूंढने लगा। उस समय भी पुलिस ने विनोद को दबोचा था। जानकारी के लिए बता दें कि सत्यव्रत डॉन श्री प्रकाश शुक्ला का बहुत ही करीबी मित्र था। सत्यव्रत राय ने अपराध की शुरुआत श्री प्रकाश शुक्ला के साथ ही की थी। कई मुकदमे में वांछित होने के बावजूद उसका दोष साबित नहीं हो पाया। गोरखपुर विश्वविद्यालय साल 2003 में छात्र संघ का चुनाव का आयोजन हुआ। उस समय छात्र संघ राजनीति, प्रत्याशी कम, उसके समर्थकों की दबंगई पर आधारित हुआ करती थी। विनोद ने अपने साथी को चुनाव लड़ाया। इस समय तक विनोद के ऊपर आपराधिक मामले बहुत दर्ज नहीं हुए थे और ना ही विनोद को अपराधी की श्रेणी में ही गिना जाता था। चुनाव के पीछे मंशा यह थी कि अगर उसका प्रत्याशी चुनाव जीतता है तो उसकी धमक अपने आप बढ़ जाएगी, और ऐसा ही हुआ। चुनाव बड़ी सरगर्मी से संपन्न हुआ। मतदान के दिन विश्वविद्यालय के गेट के पास उसके और विरोधी गुट के प्रत्याशी के बीच जमकर मारपीट भी हो गई। कहा जाता है कि विरोधी गुट के प्रत्याशी को ही विनोद के गुट ने जमकर पीट दिया। चुनाव हुआ और परिणाम विनोद के पक्ष में आया। इसी जीत के बाद उसका कद उसके वर्ग के मनबड़ लोगों के बीच बढ़ने लगा। 2006 में एक बार फिर छात्र संघ का चुनाव हुआ, लेकिन इस बार इनके पक्ष के प्रत्याशी को लिंगदो की शर्तों की वजह से मैदान से हटना पड़ा। इसी के बाद 2007 में पीडब्ल्यूडी कांड हो गया। इस घटना में विनोद के साथ छात्र संघ का प्रत्याशी भी आरोपी बना था, और इस तरह अपराध और जुर्म का सिलसिला चलते चलते विनोद के अंत पर जाकर खत्म हुआ। आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।